वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है और मैं उस तितली का हर साल की तरह बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर वो दिन आ ही गया। दोपहर का कुछ एक बज गया था और वो अचानक से मुझे मेरी बालकनी में दिखाई दी। अलग अलग पौधों के इर्द गिर्द उड़ते रहने के बाद एक नींबू के कोमल पत्ते को चुनकर उस पर कुछ अंडे डाल दिए। इसी तरह अपने बाकी अंडों को भी दूसरे पत्तों पर डालकर वो तितली वहाँ से चली गई। इस तितली की फीमेल 3 विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसका मतलब ये दूसरे जाति के फीमेल जैसे दिखती है। उसका पहला फॉर्म है साइरस। ये काफ़ी हद तक अपने ही जाति के मेल जैसा दिखती है। उसका ये फॉर्म सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरा फॉर्म है स्टिचेस। ये कॉमन रोज बटरफ्लाई जैसे दिखती है। और तीसरा फॉर्म है रोमिलस। ये क्रिमजन रोज बटरफ्लाई जैसे दिखती है। मेल बटरफ्लाई अधिकतर ब्लैक कलर का होता है। इसके विंग के एज पर सफ़ेद डॉट्स की लाइन होती है। इस तितली का साइंटिफिक नाम है पापिलियो पोलाइटस। और तितली के होस्ट प्लांट्स है कड़ी पत्ता, नींबू, संतरा और बेल। इस 4 प्रकार के प्लांट के पत्तों पर अपने अंडे देती है। आज अंडे का पहला दिन है। ये अंडा हल्के पीले रंग का है और इसकी सतह पर थोड़ा सा रफ टेक्सचर सा है। इसकी साइज लगभग 1.2 mm है। आज दूसरे दिन अंडों पर हल्के ब्राउन कलर के धब्बे दिख रहे हैं और इन अंडों में एक हल्की सी ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है। इसके अलावा अंडों में जरा सी मूवमेंट भी होने लगी है। नॉर्मली बच्चा बाहर आने के लिए कम से कम 3 दिन लग जाते हैं और आज तीसरा दिन है। अंडा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। देखिए अंडे के अंदर मूवमेंट भी कल से ज़्यादा है। अंडे को अंदर से खाकर वो बच्चा बाहर आने का रास्ता बना रहा है। बाहरी दुनिया में आने में अब उसे कुछ ही पल लगेंगे। और देखिए अब वो कैसे धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और ये कैटरपिलर पूरी तरह से बाहर आ चुका है। इसे फर्स्ट इंस्टार कैटरपिलर कहते हैं। इसकी साइज लगभग 3 मिलीमीटर की है। सबसे पहले पोषक तत्व उसे अपने ही अंडे से मिलते हैं। थोड़ी देर बाद वो उसी अंडे को खाना चालू कर देता है। इससे उसे आवश्यक ऊर्जा मिलती है और फिर वो धीरे धीरे अंडे को पूरी तरह से खा लेता है। इस नवजात कैटरपिलर के शरीर पर कांटे जैसे बाल होते हैं। आज इस कैटरपिलर का 5वां दिन है। इसे सेकंड इंस्टार कैटरपिलर कहते हैं। अब इसकी साइज लगभग 7 मिलीमीटर तक की हो जाती है। इसके बॉडी के बीचों बीच सफेद पैच भी उभरने लगे हैं। आज 7वां दिन है। इसे थर्ड इंस्टार कैटरपिलर कहते हैं। इसकी साइज बढ़कर लगभग 13 मिलीमीटर हो गई है। अब इसका रंग धीरे धीरे काला होता जा रहा है। ये कैटरपिलर दिखने में बिल्कुल बर्ड के बीट जैसे यानी ड्रॉपिंग जैसे दिखता है और इसी वजह से ये पक्षियों की नज़र से बचता है। आज 9वां दिन है। इसे फोर्थ इंस्टार कैटरपिलर कहते हैं। अब इसकी साइज लगभग 20 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है। आज इसका 11वां दिन है। ये कैटरपिलर लगभग 25 मिलीमीटर का हो गया है। अब ये मोल्टिंग करने वाला है। मोल्टिंग का मतलब अभी जो स्किन है
उसे निकालने की प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग के बाद ये दिखने में बिल्कुल अलग दिखाई देगा। जरा ध्यान से देखिए, ये किस तरह से अपने काले रंग की स्किन से खुद को बाहर निकाल रहा है। दरअसल ये कुदरत का एक आश्चर्यजनक करिश्मा ही होता है। मोल्टिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद ये करीब आधा घंटा रेस्ट लेता है और फिर धीरे धीरे वही मोल्टेड स्किन खा लेता है। ऐसा करके वह अपनी मौजूदगी की निशानी को पूरी तरह से मिटा देता है। मोल्टेड स्किन और हेड, ये दोनों आप देख सकते हो। यह है 5th-star कैटरपिलर। कुदरत हर प्राणी को दूसरे से बचने के लिए कोई न कोई तरीका देता है। इस कैटरपिलर के पास भी एक तरीका है। वो क्या करता है, गंदी स्मेल के साथ वो सांप के जीभ जैसा एक ऑर्गन निकाल कर डराता है। इस ऑर्गन को ऑस्मेटेरियम कहते हैं। आज 12वां दिन है और अभी सुबह के 10:15 है। आज 13वां दिन है, शाम के 7:30 है। चौदहवां दिन है आज और सुबह के 10:15 है। आज 15वां दिन है, सवेरे के 11:00 हैं। जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती जा रही है, इसका बस एक ही काम है, दिन रात प्लांट के पत्ते खाते रहना और मल को बाहर निकाल देना। आज 16वां दिन है। अब इसकी साइज बढ़ते बढ़ते 40 से 45 मिलीमीटर तक पहुंच चुकी है। इस वक्त रात के करीब 10:30 हैं। अब जल्दी ही एक और महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उसी के लिए वो सही जगह की तलाश कर रहा है। ये जो स्पंज से पैर दिख रहे हैं, इन्हें प्रोलेग कहते हैं। अब रात के 12:30 है, परंतु उसे अब तक मनचाही जगह नहीं मिल पाई है।
सवेरे के 1:30 बजे है। लगता है उसे अपनी पसंद की जगह मिल चुकी है। प्यूपा बनने से पहले वो अपने शरीर से एक हरे रंग का लिक्विड निकाल देता है, इसे फ्रास कहते हैं। फ्रास के बाद उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। अभी कैटरपिलर अगले ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है। सुबह 2:30 बजने वाले है। बॉडी के निचले हिस्से को प्लांट से चिपकाने के लिए वो सिल्क थ्रेड प्लांट की डंडी को लगा रहा है। बॉडी का निचला हिस्सा जिसे एनल प्रोलेक कहते हैं, वो प्लांट की डंडी को चिपका रहा है। अब वो प्लांट के ऊपरी हिस्से पर सिल्क थ्रेड बना रहा है। वो अपनी बॉडी का ऊपरी हिस्सा प्लांट के डंडे से लटकाना चाहता है। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके वो सुनिश्चित करता है कि सिल्क थ्रेड की लंबाई प्यूपा को लटकाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। मजबूती के लिए वो 4 से 5 थ्रेड बनाता है। जरा गौर से देखिए वो कैसे अपने आप को उस सिल्क थ्रेड में सफलतापूर्वक लटका लेता है। सुबह के 6:15 बज चुके हैं और कैटरपिलर को ये प्रोसेस पूरा करने के लिए 8 से 9 घंटे लग चुके हैं। आज 17वां दिन है। रात के 8 बजे है। लगभग 14 घंटे बीत चुके हैं। इस कैटरपिलर की बॉडी में अब कुछ नए बदलाव दिखने आरंभ हो चुके हैं। अब कैटरपिलर से प्यूपा बनने का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। ध्यान से देखिए वो कैसे अपने हरे रंग की स्किन को खुद से अलग कर रहा है। सिर के पास से एक ग्रीन स्किन निकलने चालू हो रही है।
धीरे धीरे वो एक कंप्लीट तूफा बन गया है। लगभग 45 मिनट का समय लगा है इसे। आज 18वां दिन है और अभी दोपहर के 12:30 बजे है। अब ये प्यूपा 11 दिन तक इसी अवस्था में रहता है। आज 29वां दिन है, शाम के 7 बजे है। धीरे धीरे प्यूपा में तितली बनने का सफर अब खत्म होने वाला है। उसकी वजह से प्यूपा का रंग काला होता जा रहा है। 30वां दिन है आज, सुबह का 1 बजा है। बाहरी कवच अब धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इस दौरान तितली का आकार और रंग दिखाई देने लगा है। इस प्रोसेस में उसे लगभग 10 घंटे लग चुके हैं। सुबह के 5 बज चुके हैं। प्यूपा में एक हलचल सी हो रही है। धीरे धीरे बाहरी कवच को फाड़कर तितली बाहर की दुनिया में आ रही है। मैं बहुत ही खुश हूँ। 3 साल से जो स्टडी कर रहा था उसका फल आज मुझे मिल रहा है। आज आखिर 30 दिनों की निरंतर गतिविधियों के बाद और निरंतर अलग अलग रूपांतर के बाद एक बहुत ही सुंदर एडल्ट तितली बनकर बाहर आ चुकी है। तितली अपने पंखों को सुखाते हुए पंख में ब्लड भी सर्कुलेट करती है। उसके पंख अब पूरी तरह से सूख चुके हैं। प्यूपा से बाहर निकलने के बाद वो तकरीबन 1 घंटा प्लांट से लटकी रहती है। और फिर ये तितली हमसे हमेशा के लिए विदा लेती है। उसकी ये विदाई दूसरे लाइफ साइकिल का प्रारंभ करने के लिए होती है।